इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के बारे में। तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बाकी में इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो पिछले साल की तरह इस साल भी इसका बॉक्स है काफी ज्यादा कन्वीनियंट होने वाला है। तो इसके बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और इसका बॉक्स भी आईफोन की तरह ओपन होता है, जिसको अनबॉक्स करने पर आपको अम्बीरो वाली फीलिंग आएगी कुछ भी। और बॉक्स ओपन करने पर हमें स्मार्टफोन ही देखने को मिल जाता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के। बाकी बॉक्स इतना ज्यादा कन्वीनियंट है कि इससे हम और कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं, सिवाय ज्ञान से भरे हुए पत्रों के। तो इसकी प्रोटेक्शन को रिमूव करते हैं, जिससे हम सभी पर्सनली काफी ज्यादा सर्टिफाइड होते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये स्मार्टफोन 4 कलर वेरिएंट में अवेलेबल होगा, जिसमें से चारों को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। पर बात करें स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो वहाँ पर हमें 6.8 इंच की डायनेमिक एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बाकी सेंटर में एक पंचोल कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी और वीडियो कॉल जैसी चीजों के लिए। स्मार्टफोन के राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ में पावर बटन, पर लेफ्ट साइड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वहीं पर स्मार्टफोन के बॉटम में सिम ट्रे, माइक्रोफोन, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, स्पीकर एंड डेडिकेटेड एस पेन स्लॉट, जिसमें मिलता है हमें एक एस पेन। टॉप में हमें सिर्फ सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। पर स्मार्टफोन के बैक साइड में स्लिक डिजाइन के साथ में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ऑल्दो देखने में लगता है कि एक पेंटा कैमरा सेटअप है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर हमें प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल, प्लस 10 मेगापिक्सल और प्लस 10 मेगापिक्सल के 4 सेंसर मिलते हैं। बाकी स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट, जो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये क्वालकॉम की तरफ से अभी तक का सबसे लेटेस्ट चिपसेट है। इस कारण से स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस इसके नाम की तरह ही अल्ट्रा या फिर सकते हैं अल्टीमेट होने वाली है। ट्राई करते हैं इसके 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा को, देखते हैं उसमें कितनी पावर है। और यहाँ पर आप 8K की रेजोल्यूशन की वीडियो को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। तो आओ फिर इसी कैमरे को यूज करते हुए क्लिक करते हैं कुछ इमेजेस को। यहाँ पर इमेजेस की डिटेल्स काफी तगड़ी देखने को मिलती है। बाकी आप देखो इसके अलग अलग मोड से क्लिक की गई कुछ इमेजेस को। कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है 1 फरवरी को। अगर आप पहले से इसकी प्री बुकिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके और भी एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर।